हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे टॉयलेट क्लीनर। किस तरीके से हार्पिक जैसा टॉयलेट क्लीनर आप घर पे ही बना सकते हैं, कुछ सामान, तीन या चार सामान की मदद से। तो आज इस वीडियो में हम यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक टॉयलेट क्लीनर बनाना कितना आसान है और ये किस तरीके से बनता है। तो ये जो ब्रांड आप देख रहे हैं, ये मेरा ही ब्रांड है। तो आइए चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों से बनती है। ये है पानी, जो मैंने 1.6 लीटर ले रखी है, कोई भी पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एसिड थिकनर 60 ml। ये जो है, ये मैं 2 लीटर की क्वांटिटी का मेजरमेंट आपको दे रहा हूँ। इसमें आपका एसिड बेस ब्लू कलर, जो हार्पिक में जो कलर होता है वो एसिड बेस होता है, अदरवाइज़ कलर स्टे नहीं करेगा। और ये है इंग्रेडिएंट मेन, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके बिना हार्पिक बन ही नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है इसको, कैसे क्या करना है, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप आखिर तक देखिए, देखने से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बीच में वीडियो छोड़ के निकल जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी कि किसके बाद किसको मिलाना है, क्योंकि आगे पीछे मिलाने से ये अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं होगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब बन जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करिए, चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मुझे एक मिक्स करने के लिए एक स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान में रखिएगा, वो स्टिक वुडन का ही होना चाहिए, क्योंकि या फिर प्लास्टिक का भी आप ले सकते हैं, वुडन का लेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसमें पानी में आप पहले कलर को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर कलर को पहले मिक्स नहीं करेंगे तो बाद में इसको मिक्स करने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो प्लेन वाटर में जो कलर है, ये जल्दी से मिक्स हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने कुछ ड्रॉप्स इसमें दिया दिया है, तो इसको पहले इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये अभी तो ब्लू कलर फ़िलहाल दिख रहा है, लेकिन इसके बाद का इंग्रेडिएंट है, आपको इसमें मिक्स करना पड़ेगा एसिड थिकनर, क्योंकि एसिड थिकनर को पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से फिर डाइल्यूट हो जाएगा पानी में, अदरवाइज़ ये फिर डाइल्यूट होने में प्रॉब्लम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी एसिड थिकनर को मिक्स कर रहा हूँ। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको मिक्सअप करना है, क्योंकि ये अगर पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा तो ये फिर केमिकल में, मतलब केमिकल जब HCl जब डालेंगे ना, तो वो सेपरेशन आ जाएगा। तो सेपरेशन से बचने के लिए आपको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना पड़ेगा। देखिए, मैं इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट 5 10 मिनट्स तक तो मैं ऑलमोस्ट इसको मिक्स करूँगा, क्योंकि वीडियो में देखिए पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने इसको अलग से मिक्स कर लिया था। तो आप भी काइंडली इसको बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स करिएगा, देखिएगा इसका जो कलर है वो कलर चेंज हो गया है। तो इससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये वापस जब हम लोग HCl को इसको मिक्सअप करेंगे तो ये कलर वापस आ जाएगा। तो ये एसिड थिकनर मिक्स करने से वो जो ब्लू कलर है वो उसका थोड़ा चेंजेस आ गया है। तो इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कीजिएगा दोस्तों। तो अब है, आफ्टर मिक्सिंग इट प्रॉपरली, अब आपको HCl इसमें डालना है। तो HCl का क्वांटिटी कितना डालना है, इसको 2 लीटर में 350 ml ही डालिए। 2 लीटर के बैच में 350 ml डालिए। देखिए, इस ये काफ़ी ख़तरनाक है, आप अपना ध्यान रख के ही इसको मतलब यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब स्किन के लिए, मतलब स्किन को जला देता है अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है। तो ग्लव्स वगैरह सब पहन के ही यूज़ कीजिएगा, मास्क यूज़ कीजिएगा, सेफ्टी एकदम 100% सेफ्टी के साथ आप काम कीजिएगा। अदरवाइज़ देखिए, एक थोड़ी सी चीज़ बनाने में आपको खतरा हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने इसमें HCl डाल दिया है। अब देखिए, जब मैं मिक्सिंग करता रहूँगा, देखिए इसका अब का वापस ओरिजिनल कलर जो अभी आ गया है। देखिए, जैसे हम लोग इसको ब्लू कलर डाला था, हम लोगों ने एसिड ब्लू कलर यूज़ किया था, क्योंकि एसिड ब्लू कलर अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये इसका कलर जो है ये आएगा नहीं। तो एसिड में क्या है कि फूड ग्रेड कलर जो है वो बर्बाद हो जाता है, तो उसका कलर आता नहीं है। तो इसके लिए आपको एसिड ब्लू कलर ही यूज़ करना है दोस्तों। तो देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए, काफ़ी थिकनेस भी इसका आ गया है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी आसान है दोस्तों, ये घर में कोई भी बना सकता है। इसका बिजनेस कीजिए, इसको पैकेजिंग कीजिए, इसको इसकी बोतल भी मार्केट में अवेलेबल होती है। जैसे इस तरीके की बोतल में आप इसको भर के आराम से इसको मार्केट में बेचिए। ये आपका बहुत ही सस्ता प्रोडक्शन, मतलब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट को वही 20 से 25 रुपये तक आना आना चाहिए, जिसको